हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक का अ शॉर्ट मॉनसून डायरी के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बीजू। जो ऑथर था वो बीजू को क्यों नहीं देख पा रहा था। द ऑथर कुड नॉट सी द बीजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट कंसील्ड द हिल्स। जो बीजू है वो ऑथर को इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि जो हवा में धुंध छाई हुई थी, इसलिए। He could only hear his voice but could not to see him। वो सिर्फ ऑथर जो था वो उसकी आवाज़ ही सुन पा रहा था बीजू की, उसे देख नहीं पा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, What are the two way in which the hills appear to change when the mist come up। जो मिस्ट आई थी तो हिल्स में ऐसे दो चीज़ें बताओ जो चेंज हो गए थे। When the mist come up the bird falls silent। जब मिस्ट आया तो बर्ड्स जो थे वो चहचाना बंद हो गए। Mist covered the hills, मिस्ट ने हिल्स को कवर कर लिया। द फॉरेस्ट बिकम डेथली स्टिल हैज थो इट वर मिडनाइट। जो फॉरेस्ट थे वो ऐसे लग रहे था जैसे मर गए क्योंकि उनमें कोई कुछ हो नहीं रहा था, कुछ हवा नहीं हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था फॉरेस्ट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मॉनसून सीजन बिगेन एंड व्हेन डज इट एंड। मॉनसून सीजन कब बिगेन होता है और कब एंड होता है, और हम मॉनसून सीजन से कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं। तो जो मॉनसून सीजन है वो ईस्ट और साउथ इंडिया में मिड मे में आता है। जो मिड मे होता है, मे का जो मिड होता है, मिड यानी 15 तारीख, उसमें मॉनसून स्टार्ट हो जाता है ईस्ट और साउथ में इंडिया में। और नॉर्दर्न पार्ट में मॉनसून है वो सेकेंड वीक ऑफ जून को स्टार्ट होता है। तो जो मॉनसून है वो सितंबर के अराउंड एंड हो जाता है उसका। वी टेक आउट योर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला। हम मॉनसून से प्रिपेयर हो सकते हैं रेन कोट्स की हेल्प से और अम्ब्रेला की हेल्प से। फोर्थ क्वेश्चन है, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। कौन सा हिल स्टेशन ऑथर ने डिस्क्राइब करा है डायरी एंट्री में। द हिल स्टेशन डैट ऑथर हैड डिस्क्राइब इज मसूरी। तो ऑथर ने मसूरी को डिस्क्राइब करा है, हिल स्टेशन मसूरी। फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। कितने दिन तक जो रेन है वो स्टॉप नहीं हुई। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डेज। जो ऑथर था उसने इन डेज में क्या करा था। तो इट रेन विदाउट स्टॉपिंग 8 or 9 days। जो रेन थी वो 8 or 9 दिन तक स्टॉप नहीं हुई थी। सिंस दे वर नो वेयर टू गो, तो कहीं जाने के लिए था नहीं बारिश में, इसलिए जो ऑथर था वो अपने रूम में ही रहा और बाहर खिड़की और वो विंडो से बाहर देखता रहा। जब तक बारिश नहीं ख़त्म होती तब तक वो अपने रूम में बैठ के बाहर देखता रहा कि क्या हो रहा है क्या और नहीं हो रहा। आगे का क्वेश्चन है सिक्स्थ, वेयर डू द स्नेक एंड रूडेंस टेक शेल्टर। जो स्नेक और रूडेंस हो जाते हैं जैसे कोई चूहा हो गया, कोई नेवला हो गया, उन्होंने अपना शेल्टर कहाँ लिया और क्यों लिया। द स्नेक एंड रूडेंस टेक शेल्टर रूफ यानी कि छत पे, एथलीट्स घरों में, गोडाउन्स, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे लिया क्योंकि वो जो उनकी होल्स और बोरोस थी वो पानी की वजह से भर गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। जो ऑथर था उसने मेल में क्या रिसीव करा था। द ऑथर रिसीव अ चेक्यू इन द मेल। ऑथर ने एक चेक्यू यानी जो पैसों वाला बटुआ होता है वो रिसीव करा था मेल में। तो आज का हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।